अच्छा कई मैया लोग होते हैं ना, जब खाना खाते हैं तो खुशी रोटी ले आए, रोटी ले आए, रोटी रोटी ले आए। अब जो खाना खा रहा है वो तो खुद ही मना कर देगा जब उसका पेट भर गया होगा। इसमें पूछने वाली बात क्या है कि रोटी ले आए, रोटी ले आए। और जब तुमसे ये पूछी जाए कि रोटी ले आए तो समझ लो या तो आटा खत्म है या फिर रोटी खत्म। पहले गए थे, अरे एक जगह हम फंसे थे, मात्र दो रोटी रखी थी। और दो रोटी रखने के बाद रोटी भी बहुत छोटी छोटी रहे, पतली पतली रहे। और बिटिया ने खाना अपना खरीद ली, बिटिया ने पूछा दीदी रोटी और ले आए। अब हम तो शांत, हमने तो कुछ कह ही नहीं, हमने कहा क्या कहें, हमने ना हाँ किया ना ना किया, मुझे हंसी आई। आप कुछ कहना नहीं, मैंने दो ही रोटी खाई और रोटी खा के पानी पिया। मैंने फिर उस बिटिया को बुलाया, मैंने कहा बेटा जब भी कोई भोजन करे तो उससे कभी ये मत पूछना कि रोटी और लाए, अगर नहीं है व्यवस्था तो आप कह देना बेटा कि रोटी नहीं है, आटा नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से आप बार बार पूछेंगे तो वो खुद ही भोजन करना बंद कर देगा, वो नहीं आपसे कहेगा कि आप रोटी लेकर के आओ। आगे से हम आपसे भी कहेंगे कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ आता है तो ये मत पूछिए, क्योंकि जब पेट भर जाएगा तो वो खुद ही मना कर देगा। बोलिए गोविंद भगवान ने की। ये लिखा है महाराज कि जब भोजन कराने वाले का मन प्रसन्न ना हो, अब भोजन करने वाले का मन प्रसन्न ना हो तो ऐसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको भूख लगी और जिस घर पे आप गए बाकी माताएं टेढ़ी टेढ़ी घूम रही हैं, कहाँ से आ गए ये भूखे, अब हमें बनाना पड़ेगा, हम उठेंगे इनके लिए रोटी बनाएंगे, तो ऐसी जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे भैया आज का समय बदल गया है, कहीं रात में अगर अंधेरा हो गया है, रुकना भी है किसी जगह पे तो होटल में खाना पीना खा के जाना, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि रात में उठ के तुम्हारे लिए भोजन बनाया जाए। माताएं खुद ही अपने लिए आलस कर लेती हैं तो दूसरों की तो बात क्या कहें। और मैं कहना चाहूंगी मैया, भागवत में ऐसा लिखा है जो व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है उसे सबसे पहले भोजन के पूछे, भोजन के भी न पूछ पाए तो पानी की पूछे, पानी की भी न पूछ पाए तो बैठने के लिए कहे, और बैठने के लिए भी अगर ना कह पाए तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे, और अगर मुस्कुरा भी ना पाए तो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अब आपके ऊपर है। अच्छा कई मैया लोग होती ना, जब खाना खाते हैं तो खुशी रोटी ले आए, रोटी ले आए, रोटी रोटी ले आए। अब जो खाना खा रहा है वो तो खुद ही मना कर देगा जब उसका पेट भर गया होगा। इसमें पूछने वाली बात क्या है कि रोटी ले आए, रोटी ले आए। और जब तुमसे ये पूछी जाए कि रोटी ले आए तो समझ लो या तो आटा खत्म है या फिर रोटी खत्म। पहले गए थे, अरे एक जगह हम फंसे थे, मात्र दो रोटी रखी थी। और दो रोटी रखने के बाद रोटी भी बहुत छोटी छोटी रहे, पतली पतली रहे। और बिटिया ने खाना अपना खरीद ली, बिटिया ने पूछा दीदी रोटी और ले आए। अब हम तो शांत, हमने तो कुछ कह ही नहीं, हमने कहा क्या कहें, हमने ना हाँ किया ना ना किया, मुझे हंसी आई। आप कुछ कहना नहीं, मैंने दो ही रोटी खाई और रोटी खा के पानी पिया। मैंने फिर उस बिटिया को बुलाया, मैंने कहा बेटा जब भी कोई भोजन करे तो उससे कभी ये मत पूछना कि रोटी और लाए, अगर नहीं है व्यवस्था तो आप कह देना बेटा कि रोटी नहीं है, आटा नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से आप बार बार पूछेंगे तो वो खुद ही भोजन करना बंद कर देगा, वो नहीं आपसे कहेगा कि आप रोटी लेकर के आओ। आगे से हम आपसे भी कहेंगे कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ आता है तो ये मत पूछिए, क्योंकि जब पेट भर जाएगा तो वो खुद ही मना कर देगा। बोलिए गोविंद भगवान ने की। अच्छा इसी